नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप एज अ बॉर्डर चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर डिज़ाइन के तौर पे आप इसे पूरे स्वेटर में डाल सकते हैं। दो ही लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और इन्हीं दोनों लाइनों को पूरे स्वेटर में दोहराना है। इसे बनाने के लिए इवन नंबर में कोई भी फंदे ले लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाते हैं। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर नेक्स्ट दो फंदों में से पहले दूसरे वाले फंदे को हम बैक लूप से सीधा बुनेंगे, फिर पहले फंदे को बैक लूप से सीधा बुनेंगे, फिर नेक्स्ट दो फंदे लेंगे, पहले दूसरे फंदे को बैक लूप से सीधा बुनेंगे, फिर पहले वाले फंदे को सीधा। तो इन्हीं दो फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। दो फंदों को लेना है, पहले दूसरे वाले फंदे को बैक लूप से सीधा बुनना है, फिर पहले वाले फंदे को सीधा बुनना है, पहले दूसरे फंदे को, फिर पहले फंदे को, पहले दूसरे फंदे को, फिर पहले फंदे को। और हम चाहे तो इनका ऐसे जगह बदल कर भी इसे ऐसे बुन सकते हैं। उसके बाद आप नॉर्मली बुन लीजिए। दोनों फंदों को ऐसे जगह बदल दीजिए। पहला वाला फंदा ऐसे ऊपर से जाएगा और फिर दोनों को बैक लूप से सीधा बुनना है। दो फंदों को आपस में जगह बदल देंगे। पहला वाला फंदा दूसरे की जगह और दूसरा वाला फंदा पहले की जगह आ जाएगा, और फिर दोनों को बैक लूप से सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट दो फंदे लेंगे, दोनों को आपस में ऐसे चेंज कर लेंगे। दूसरा फंदा पहले आ गया और पहला फंदा ये ऊपर से जाएगा, इसे हम बाद में बुनेंगे। लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे सीधा। अब ये हमारा सेकंड रो है और रॉन्ग साइड। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। अब पहले हम दूसरे वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे और फिर पहले वाले फंदे को उल्टा। पहले दूसरे वाले फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे और फिर पहले वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे। चाहे तो हम इसका जगह भी वैसे बदल के कर सकते हैं। ये जो पहला फंदा नीचे से जाएगा और दूसरा फंदा ऊपर से ऐसे आएगा, फिर दोनों को उल्टा बुन लेंगे। अगले दो फंदे लेंगे, दोनों को आपस में ऐसे जगह बदल देंगे। पहला वाला फंदा नीचे से जाएगा और दूसरा वाला फंदा ऐसे ऊपर से आएगा। देखिए, ये ऊपर से आएगा। अब फिर इन दोनों को उल्टा बुन लेंगे। तो हमें, या फिर पहले दूसरे वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर पहले वाले फंदे को उल्टा, पहले दूसरे वाले फंदे को उल्टा, फिर पहले वाले फंदे को उल्टा। तो हमें जो विधि भी अच्छी लगती हो, जिसमें हमें परेशानी नहीं होती हो, उसी को हम अप्लाई करेंगे। जो विधि हमारे लिए सुटेबल हो, हम उसी विधि को अपनाएंगे। दोनों भी तरीके से रिज़ल्ट एक ही आएगा, चाहे हम दोनों को जगह बदल के बनाएं, अच्छे हैं पहले दूसरे वाले फंदे को बुने, फिर पहले वाले फंदे को, रिज़ल्ट सेम ही आएगा। लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। चलिए हम एक बार और देख लेते हैं। पहला फंदा ये हमारा तीसरा लाइन है और सामने से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे। अब दो फंदे हम लेंगे और पहले दूसरे वाले फंदे को बैक लूप से सीधा बना लेंगे, फिर पहले वाले फंदे को सीधा बनाएंगे। या दोनों फंदों को आपस में ऐसे जगह बदल देंगे। पहला वाला फंदा ऊपर से जाएगा, दूसरा वाला फंदा नीचे से जाएगा, और फिर दोनों को बैक लूप से सीधा बना लेंगे।
तो इसी तरह हमें पूरे लाइन में दोहराना है। दो फंदों को लेना है, पहले दूसरे वाले फंदे को बुनना है, फिर पहले वाले फंदे को बुनना है, पहले दूसरे वाले फंदे को, फिर पहले वाले फंदे को, वाले फंदे को। तो इसी तरह हम बुनेंगे और रॉन्ग साइड से भी पहले दूसरे वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे और फिर पहले वाले फंदे को। दोनों तरीकों में से हम किसी को भी अपना सकते हैं। डिज़ाइन तैयार है, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो आप इसे या तो बॉर्डर में डालिए या फिर पूरे स्वेटर में एज अ डिज़ाइन इस्तेमाल कीजिए। ये इसे आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, बॉर्डर में भी इसे आप बना सकते हैं और डिज़ाइन के तौर पे भी आप इसे बना सकते हैं। तो डिज़ाइन आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।